নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। আজ ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং আমবাসা ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আজ একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ করে 78তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে তাদের এই উদ্যোগ এবং জওহরনগরস্থিত ধলাই জেলা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। আজকের এই রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা জেলাশাসক সাজু ওয়াইদে এবং জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, পাশাপাশি আমবাসা ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সদস্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা শাসক সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। কি বলছেন শুনুন। सुबह से बाइक रैली शुरू हुआ, साइकिल रैली किया है, बस अब म्यूनिसिपल टाउन में रैली हुआ है, तो उसके बाद आज शाम को टाउन हॉल में कल्चरल प्रोग्राम होगा। अभी एक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा हूँ, शाम को हमारा स्वच्छ भारत अभियान एक हमारा ऑफिस में भी करेंगे। इसमें जितने भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें से सबसे बढ़िया एक प्रोग्राम है यह ब्लड डोनेशन कैंप। आपको सबको पता होगी ब्लड डोनेशन जो भी जिसका भी एक्सपीरियंस हुआ है, ब्लड का नीड जब हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जब भी हमको ब्लड का आवश्यकता होता है तो तब ये बोनस का ढूंढते 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 कितना परेशान होता है ये सबको पता हो। तो जिसको भी वो एक्सपीरियंस हुआ वो कभी भी ब्लड डोनेशन में रोकेंगे नहीं। वो ब्लड डोनेट करना एक लाइफ दान देना जैसा ही है, रात को हो दिन में हो जब भी इमरजेंसी होता है। और उसी टाइम में ब्लड डोनेशन करने के लिए ब्लड डोनर्स के ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डोनर को मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी एक बड़ा एक मुद्दा है। इसके अलावा भी हमारा स्टेट में ब्लड का बहुत बहुत ज्यादा ही डिमांड होता है, बहुत ज्यादा ही डिमांड होता है, लेकिन जितना डिमांड है उतने हिसाब से हमारा इधर ब्लड डोनेशन होता नहीं। तो सारे जिला में ब्लड डोनेशन का ब्लड बैंक वगैरह है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होता है। इसलिए जैसा हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये आज का जो इनिशिएटिव दिया है, मैं सबको अनुरोध करता हूँ और सारे डिपार्टमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक कैलेंडर बना दे, हर महीना एक एक डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट में एक ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करे तो 12 महीना एटलीस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बाकी लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप हो जाए और ब्लड डोनेट हो जाए। আপনারা শুনলেন জেলাশাসক সাজু ওয়াইদির বক্তব্য। পাশাপাশি প্রতিটি দপ্তরকে রুটিন মাফিক রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণের অনুরোধ আজ তিনি জানিয়েছেন। এই রক্তদান শিবিরে 35 জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন এবং রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ধলাই জেলার হাসপাতালকে রক্ত সংগ্রহ এবং পরিবহনের জন্য সর্বসুবিধাযুক্ত একটি অত্যাধুনিক গাড়ি প্রদান করা হয়েছে, যা আজ এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন জেলাশাসক। নিয়মিত ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।